जी, क्यों लगा आपके आपको पंजाब में मान साहब के प्रचार के लिए ना आना चाहिए? किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने आपके तक पहुंच की, कुछ लालच दिया कि हमारे लिए प्रचार करो? हर एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे वाहेगुरु, ये दीप सिद्धू दीप की तरह वाहेगुरु चमकता था। आज वो दीप बुझा नहीं है, आज वो दीप जल ही रहा है वाहेगुरु, सारे के दिल में जल रहा है। अरे जो बंदा 1984 में अपना IPS का वर्दी छोड़ देता है, जिसका जिंदगी चलता है, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं। और बेनती है वाहेगुरु, मैं तो खत्म कर रहा हूँ, आइंदा वाहेगुरु मेरे को माइक ना दो अगर मेरे पास टाइम ना रहेगा। मैं चुपचाप बैठा रहूंगा वाहेगुरु, सुनता रहूंगा वाहेगुरु, देख देख बातें करूंगा, क्योंकि जब तक मेरा अंदर का चीजें मैं शेयर ना करूं मतलब नहीं है वाहेगुरु। या तो मेरे को खुला छोड़ दो, मेरे को जहां गलत दिखेगा वहां किसी को बांध दूंगा। अज पंजाब की जिहड़ी सब तो सिख कौम वास्ते एक महत्वपूर्ण सीट है जी, सीट अमृतगढ़, जिथों सिमरत सिंह मान जी चोण लड़ रहे हैं। तो इतने इन्होंने प्रचार वास्ते जो असं गलबात कर रहे हैं, वो सैलीब्रिटी आ रहे हैं जिन्होंने मान साहब वालों या पार्टी वालों कोई बुलावा नहीं आया, सिर्फ अपने जमीर की आवाज़ सुन के इतने आ रही ने। तो नाल एक सोशल मीडिया स्टार ने विक्की थॉमस जो बॉम्बे तो आए ने, उन्होंने गलबात करा। शशि वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू विक्की जी, क्यों लगा आपके आपको पंजाब में मान साहब के प्रचार के लिए ना आना चाहिए? वाहेगुरु, वैनकूवर सरी हर जगह से वाहेगुरु, बाहर से कैनेडा US से फोन आ रहे कि वाहेगुरु सिमरनजीत सिंह मान एक शुद्धता खालसा वाहेगुरु अमृत छका हुआ सिंह, जो वाहेगुरु इतना अपना यूनिफॉर्म तक सैक्रीफाइस किया है वाहेगुरु, सिर्फ और सिर्फ जो वाहेगुरु रेत नहीं टूटना चाहिए। तो वाहेगुरु सोचा कि जब प्रचार कर ही रहा हूँ, बाकी कोई पार्टी में नहीं गया, वाहेगुरु आए लेकिन फोन, लेकिन मैं कभी किधर और किधर नहीं गया, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि मैं पिता के बेटे को सपोर्ट करूं। सिमरनजीत सिंह मान जी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के ऐसे पुत्र है जिन्होंने 84 में अपना यूनिफॉर्म तक क्या कुछ नहीं टॉर्चर झेला रहेगा वाहेगुरु, इलेक्ट्रिक करंट दिए उनको, मेंटली टॉर्चर किया था, लेकिन वाहेगुरु उन्होंने गिव अप नहीं दिया। इसके लिए आज देखो यहाँ पर कितने संगत घेरे हुए, कितने लोग घेरे हुए, मैंने यहाँ पर ऐसा रैली मैंने अभी इधर किधर देखा नहीं, जो प्यार सिमरनजीत सिंह मान जी ने वाहेगुरु कमा के लिए। वाहेगुरु, किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने आपके तक पहुंच की, कुछ लालच दिया कि हमारे लिए प्रचार करो? वाहेगुरु, बहुत कुछ फोन आया, बहुत कुछ लालच भी दिए, लेकिन वाहेगुरु अगर बुर्ज खलीफा दुबई का भी मिलेगा ना मेरे को, तो भी मैं चोरों के साथ में नहीं घुल मिलूंगा। जो खालसा है, जो मान मर्यादा रैत में रहेगा, जो सिंह सेवा करने के लिए निकलेगा, मानस की जात सब एक है पहचान, वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का जो बेटा है उसका आवाज बनकर मैं खड़े रहूंगा। और हाँ, मुझे इसमें ये चीज करने में मेरे को कोई घर फार्म हाउस कार मोबाइल कुछ नहीं, सिर्फ एक सेवा है निष्काम, जो सच्चाई का आवाज है उसका आवाज का आवाज बनकर आया हूँ, बस और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। वाहेगुरु, दीप सिद्धू से मिले हो आप कभी? दीप सिद्धू को वाहेगुरु 2 बार मिला और दोनों का दोनों दिन ऐतिहासिक ही हुआ है वाहेगुरु। एक 26 जनवरी, क्योंकि लाल किले में जब दो जगह पे निशान साहब फहराया, एक बाहर जो नांदेड़ हजूर साहब से आया, और एक अंदर जहां पर वाहेगुरु हम लोग 96 करोड़ी दलपंत के साथ में खंडा खड़काए, एक वहां पर और एक बंदी सिंहों के रिहाई में चंडीगढ़ में मेरे को मिला, जब बंदी सिंहों में भी योगदान। हर एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे वाहेगुरु, ये दीप सिद्धू दीप की तरह वाहेगुरु चमकता था। आज वो दीप बुझा नहीं है, आज वो दीप जल ही रहा है वाहेगुरु, सारे के दिल में जल रहा है। सारे बच्चे तैयार बर तैयार हो जाओ वाहेगुरु, आज इतने जगह जगह पे वाहेगुरु कुर्बानियां है, कौम ने कुर्बानियां दी है वाहेगुरु। तो ये तो वाहेगुरु दीप तो एक योद्धा, एक्सीडेंट बोला जाता है वाहेगुरु, उसको सब कुछ पता है, वो ही सजा भी देंगे इधर ही देंगे वाहेगुरु। तो आप आज के दिन ही आए हो या कोई और भी प्लान है जहाँ का? वाहेगुरु, मैं नांदेड़ में था जब यहाँ का वाहेगुरु एक सिंह मेरे को बताया, क्योंकि मेरा अच्छा
बॉन्डिंग है वाहेगुरु। मेरे को बोला यहाँ एक ऐसे सेवादार खड़े सिमरनजीत सिंह मान, मेरे को फोन आना किसी का बाहर से और यहाँ पर से किसी का फोन आना, मतलब मैं ये सोचा कि पिता का बुलावा है, तुमको निष्काम सेवा करना है। बस वाहेगुरु सिर्फ सेवा के लिए आया यहाँ पर और कुछ नहीं। और यहाँ के बाद का प्रोग्राम क्या, दिल्ली जाऊँगा, दो चार सेवा है, सिगलीगर सिंगों का थोड़ा मुद्दा है। सिंगों के लिए वाहेगुरु, जो दुनिया का पेट भरते ना वाहेगुरु, जिनके पास कोई नहीं पहुँच रहा ना, वहाँ ये पिता का गुलाम पहुँच के सेवा करेगा निर्भय होके वाहेगुरु। शुक्रिया जी। सो एसी बिक्की थॉम्स जी जो सिमर सिंह मान के प्रचार वास्ते आए हुए हैं, आप गलबात करांगे इतने होर भी सैलीब्रिटी आई हैं उन्होंने कि वह की सोच के आए हैं ज उन्होंने किमें दहंगारा मिल रहा, तद तक सू इजाजत जी, धन्यवाद। और हाँ, ये खाली इलेक्शन के लिए नहीं वाहेगुरु, ये पूरे अब एक बार जिता के देखो, अब एक बार मौका देके भी तो देखो। आपका काम, आप फोन करो, जाओ मिलो, आप वोटर हो, आप सिटीजन हो, जाओ उनके पास। अरे जो बंदा 1984 में अपना आईपीएस का वर्दी छोड़ देता है, जिसका जिंदगी चलता है, इंटरव्यू देने जा रहा हूं, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब था वो छोड़ कुर्बान करके जाता है, किसके लिए, पिता के सेवा के लिए, क्योंकि खालस है वो, अमृतधारी सिंह है वो करेगा वाहेगुरु सेवा, उसको मौका भी तो देके देखो। जब एक चाय वाला वाहेगुरु बन रहा कुछ, तो वाहेगुरु हम एक आईपीएस ऑफिसर को भी तो बना के तो देखो। और बेनती है वाहेगुरु, मैं तो खत्म कर रहा हूं, आईंदा वाहेगुरु मेरे को माइक ना दो अगर मेरे पास टाइम ना रहेगा, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा वाहेगुरु, सुनता रहूंगा वाहेगुरु, देख फतेह करूंगा, क्योंकि जब तक मेरा अंदर का चीजें मैं शेयर ना करूं मतलब नहीं है वाहेगुरु। या तो मेरे को खुला छोड़ दो, मेरे को जहां गलत दिखेगा वहां किसी को मार दूंगा, मैं कर दूंगा मेरे को जो करना है वाहेगुरु, क्योंकि गुस्सा कहीं तो निकलना चाहिए ना, वो एक किसान आंदोलन में भी दिखा। सत श्री अकाल।